हेलो दोस्तों, अगर आपके चैनल पर भी रीयूज्ड कंटेंट आ गया है और आज आया है या 4 महीने से परेशान है तो आज इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आज बारीकी से आपको डिटेल में कुछ पॉइंट पर बात करूंगा। आप अगर इन बातों को समझ जाते हैं तो आपका चैनल एक दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा, नहीं तो आप 4 महीने 6 महीने 8 महीने से भटकते रहेंगे। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था जो कि आप पढ़ सकते हैं। इनके चैनल पर 4 बार से रीयूज्ड कंटेंट आ रहा है बार। अब इनके चैनल पर जब मैंने चेक किया और इनके चैनल को देखा तो कुछ मुझे प्रॉब्लम दिखी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं। अगर आप अपने चैनल पर इन गलतियों को नहीं करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। गलती नंबर 1, आपको अपने चैनल पर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डालनी है जो कि उस पर आपकी ना आवाज हो ना ही आपकी वीडियो हो, मतलब आपका फेस हो। अगर आपने ऐसा वीडियो डाला हुआ है तो डिलीट कर देना। नंबर 2, आप कोई भी क्लिप यूज करें अगर किसी भी वीडियो में किसी भी वेबसाइट से, तो उस क्लिप का हमेशा नरेटिव रखें, उसके पीछे एक डॉक्यूमेंट्री रखें और आवाज में कुछ ना कुछ जरूर बोलते रहें। उस क्लिप से अपने आप को रिलेट करें, अपनी आवाज को रिलेट करें उस क्लिप से। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, सामने एक क्लिप चल रही है और पीछे से मैं बोल रहा हूं, आपको लग रहा है कि ये क्लिप इससे रिलेट कर रही है, राइट? ये दूसरी मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 3, गेमिंग का अगर आपका चैनल है तो आप गलती क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आप वीडियो इतनी अपलोड कर देते हैं म्यूजिक के साथ में, आप अपनी आवाज नहीं डालते हैं, तो क्या होता है कि आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आता है। रीयूज्ड कंटेंट क्यों आता है, इसीलिए आता है क्योंकि ना आपकी उसमें आवाज है ना आपका फेस है, वो आपने गेम खेलकर अपलोड कर दिया है, तो इसमें क्या हुआ, वैल्यू प्रोवाइड नहीं हुआ। YouTube कहता है आपने मेहनत बहुत की, लेकिन YouTube जो कहता है, YouTube की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को हमें समझना होगा। नंबर 4, जो कि लोग करते हैं, आपको ये नहीं करना है। जो आप वीडियो बना रहे हो, जिस भी टाइप की वीडियो बना रहे हो, उस टाइप की वीडियो का एक बिहाइंड द सीन बना लो, एक बिहाइंड वीडियो बना लो जो कि फेस कैम करके बना लो, और उस वीडियो को आप अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अपलोड करो। वहां पर लिखो कि हाउ टू मेक माय वीडियो, हाउ टू क्रिएट माय वीडियो, यहां पर ऊपर ये लिखना है हाउ टू मेक माय वीडियो, हाउ टू क्रिएट माय वीडियो, कुछ भी लिख देना, और उसका लिंक अपने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालो। ये आज मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक की वीडियो में नहीं बताया है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका चैनल एक बार में मोनेटाइज हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, मैंने 4 मिस्टेक बताई है। 5वीं मिस्टेक, लोग क्या करते हैं कि दूसरे की वीडियो को उठाते हैं, दूसरे का म्यूजिक उठाते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं और अपलोड कर देते हैं। मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, देख लेना। ये प्रॉब्लम जो बताई है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप में से बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। ये 5 बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका चैनल एक बार में मोनेटाइज होगा। कभी भी आपको दूसरे का कोई थंबनेल नहीं यूज करना है, कभी भी आपको दूसरे का कोई क्लिप ज्यादा यूज नहीं करना है अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। आपकी वीडियो अगर 5 मिनट की है, 6 मिनट की है, 8 मिनट, 10 मिनट की है, तो क्लिप यूज करो 1 मिनट की, थोड़ी थोड़ी करके क्लिप यूज करो, ज्यादा क्लिप नहीं यूज करना है, जिससे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि रीयूज्ड कंटेंट आता क्यों है। आपको एक इसका आंसर भी पता होगा कि दूसरे की वीडियो को यूज किया इसलिए रीयूज्ड कंटेंट आया। एक बार में आप बोल सकते हो कि दूसरे की वीडियो को यूज किया इसलिए रीयूज्ड आया, लेकिन जो सेकंड लॉजिक है, जो सेकंड ऑप्शन है, वो ये है कि जिस भी वीडियो में आपके वैल्यू नहीं प्रोवाइड की जाएगी उस पर रीयूज्ड कंटेंट आएगा। बहुत से ऐसे चैनल होंगे और आपके भी चैनल होंगे, जैसे आप गेमिंग का वीडियो डालते हो ना, तो उस पर तो रीयूज्ड कंटेंट नहीं आना चाहिए क्योंकि उस वीडियो में आपने कहीं किसी से कुछ लिया ही नहीं है, आपका अपना वीडियो होता है, लेकिन उसमें रीयूज्ड इसलिए आता है क्योंकि उस पर वैल्यू नहीं होती। अगर आपके वीडियो में वैल्यू नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करो, उसमें वैल्यू ज्यादा अपलोड करो, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी जल्दी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। रीयूज्ड कंटेंट एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं हो सकता, अगर आप उस पॉलिसी को नहीं समझते हैं बारीकी से। यहां पर मेरे माइंड में एक अभी क्वेश्चन आया जो कि मैंने अपने स्क्रिप्ट में नहीं नोट कर रखा था, बट फिर भी मेरे माइंड में यह सवाल आया जो कि मैं आपको बताता हूं। जब भी आप कोई भी वीडियो अपलोड करें और रीयूज्ड कंटेंट आ गया है आपके चैनल पर, आप यहां पर यह सोच सकते हैं कि जो मैंने पुरानी डाल रखी थी उस पर तो मोनेटाइज था, अभी मैंने 2-3 वीडियो डाली उसके बाद रीयूज्ड आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो पुरानी वाली वीडियो थी उसी पर रीयूज्ड कंटेंट था, नए वाले वीडियो पर रीयूज्ड कंटेंट तो होगा ही नहीं।
कभी भी जब रीयूज्ड कंटेंट आता है तो हमेशा पुरानी वीडियो पर ही आता है, ज्यादातर चांस होते हैं पुरानी वीडियो पर, क्योंकि नई वीडियो आपकी वायरल नहीं होगी, वायरल हो रही होंगी पुरानी वीडियो और उसकी वजह से रीयूज्ड कंटेंट आता है। हमेशा इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप इन बातों को समझें, डिटेल में समझें जो मैंने आपको बताया, एक एक बारीकी से समझ जाओ। और अगर समझ में ना आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके एक एक क्लिप देख लो, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। मैं इस गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो जो पॉइंट आपको इस वीडियो में बताया है, अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पर भी कोई परेशानी आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं अपने तरफ से, तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप लेने के लिए आपको यहां पर इंस्टाग्राम का अकाउंट दिख रहा है, दो इंस्टाग्राम के अकाउंट हैं, इन अकाउंट पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद आपको मैं वहां पर रिप्लाई करूंगा, वीडियो कॉल करेंगे, जब पेमेंट होती है उसके पहले वीडियो कॉल, और उसके बाद आपके चैनल पर पेड सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा और आपके चैनल को मोनेटाइज कराया जाएगा। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी पेड मेंबरशिप ले रहे हो तो एक बार आप जरूर बोल दीजिए कि सर वीडियो कॉल जरूर कर ले, मैं वीडियो कॉल तुरंत करता हूं। बिकॉज वीडियो कॉल के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे नाम पर बहुत लोग फेक और फ्रॉड भी कर लेते हैं, तो फेक और फ्रॉड से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूं वीडियो कॉल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको मैं अवेयर रखता हूं। और भी कोई अपडेट, कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा और आपको बता भी दूंगा। दोस्तों, अभी तक हमने 300 से ज्यादा चैनल मोनेटाइज किए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम आगे भी चैनल मोनेटाइज करने के लिए कार्यरत है, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एक एक चैनल पर डे एक दो चैनल हम मोनेटाइज कर ही रहे हैं। आपका भी चैनल मोनेटाइज होगा, हमारे साथ जुड़ें, अपने चैनल को मोनेटाइज करें और यूट्यूब से अर्निंग करें। मिलता हूं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन अस।